हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल LTS इंग्लिश। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु को इंग्लिश में डेथ कहते हैं, लेकिन कफन को इंग्लिश में श्राउड कहते हैं, ताबूत को इंग्लिश में कॉफिन कहते हैं, शमशान को इंग्लिश में क्रेमेटोरियम कहते हैं, क्रेमेटोरियम, चिता को इंग्लिश में पायर कहते हैं, पायर, कब्र को इंग्लिश में ग्रेव कहते हैं, ग्रेव, श्रद्धांजलि को इंग्लिश में ट्रिब्यूट कहते हैं, अंतिम संस्कार समारोह फ्यूनरल सेरेमनी, शव यात्रा फ्यूनरल प्रोसेशन। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट है दाह संस्कार, जिसे इंग्लिश में क्रिमेशन सेरेमनी कहते हैं, अस्थि कलश अर्न, मृत शरीर लाश, मृदा को इंग्लिश में डेड बॉडी और कॉर्प्स कहते हैं, कॉर्प्स, मातम को इंग्लिश में मॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट है दफनाना, जिसे इंग्लिश में बेरी कहते हैं, हत्या यानी असैसिनेट, स्पेशली ऑफ सोशली प्रोमिनेंट पर्सन। सो व्यूअर्स, दो रिलीजन ऐसे हैं जिसमें इंसान को मरने के बाद दफनाया जाता है, एक है क्रिश्चियनिटी और एक है इस्लाम। सो फ्रेंड्स, कब्रिस्तान को इंग्लिश में चर्चयार्ड, ग्रेवयार्ड और गॉड सेकर कहते हैं, लेकिन ये तीनों वर्ड्स आप तभी यूज़ कर सकते हैं उन कब्रिस्तान के लिए जो कि चर्च की पास की जगह पर हो, चर्च जहाँ पर चर्च हो वहाँ की बगल के एरिया में, या वहाँ पर एक अलग से ग्राउंड दिया गया हो कब्रिस्तान के लिए, तब आपको इन तीन वर्ड्स का यूज़ करना है। अदरवाइज़ और कोई कब्रिस्तान जो कि चर्च के अलावा हटकर हो, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं सिमेट्री, ब्यूरियल ग्राउंड, ब्यूरियल साइट, ब्यूरिंग ग्राउंड, जो कि मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पॉटर्स फील्ड, अ ब्यूरियल प्लेस फॉर पॉपर्स एंड स्ट्रेंजर्स, ये वो कब्रिस्तान होता है जो किसी अनजान इंसान को या कंगाल लोगों को दफनाने के लिए दिया जाता है। दफन कक्ष, जिसे इंग्लिश में ब्यूरियल चैम्बर कहते हैं, ब्यूरियल चैम्बर, शमशान भूमि या दहन भूमि को इंग्लिश में बर्निंग ग्राउंड कहते हैं, मुर्दा घर को इंग्लिश में चैनल हाउस कहते हैं, चैनल हाउस, मुस्लिम, अ बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बरीड, यानी वो इमारत जिसमें मुर्दों को दफनाया गया हो। नेक्स्ट है टॉम्बस्टोन, अ लार्ज फ्लैट इंस्क्राइब्ड स्टोन स्टैंडिंग ऑन लेड ओवर अ ग्रेव, जो कि कब्र के सिराने साइड या उसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ होता है जिसमें उसका नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, उसे हम टॉम्बस्टोन कहते हैं, टॉम्बस्टोन। नेक्स्ट है स्मारक पार्क, जिसे इंग्लिश में मेमोरियल पार्क कहते हैं, मेमोरियल पार्क। नेक्स्ट है दरगाह, जिसे इंग्लिश में श्राइन कहते हैं, श्राइन। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी नॉलेज भी गेन हो सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।